नमस्कार, बाबा राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। निरसा मासस कार्यालय में बिहार कोलोरी कामगार यूनियन के सदस्यों ने 9 वर्ष 2023 का मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कोलोरी के कई समस्या और मुद्दों पर बातें की गई। इस समारोह में JBCCI के सदस्य एवं निरसा के पूर्व विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी के साथ बादल बावरी, आगम राम, दीपक सिंह, रोशन मिश्रा, रामजी यादव, दिलीप सिंह, कार्तिक दत्ता, अमल मिश्रा, सुरजीत बहादुरी, अमित मुखर्जी, भक्ति मोदी, उत्तम कौर, अशोक कुमार मंडल, इन सभी के साथ साथ बिहार कोलोरी कामगार यूनियन के ECL मुगमा एरिया के सभी कोलोरी के सदस्य मौजूद थे। इस समारोह में सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। साथियों, एरिया ऑफिस का रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं कि मेंबरशिप हमारा 2021 तक जमा है, 22 का मेंबरशिप नहीं है, ले रहे हैं। एक दो साथियों, एक दो बात और करना चाहते हैं हम साथियों। जैसे कि हमारा गेस्ट हाउस में वर्कर लोग हैं, आदिवासी वर्कर लोग हैं, सामान्य वर्कर, महिला पुरुष दोनों हैं। गेस्ट हाउस के नाम पर बंगला पर काम कराना नहीं चलेगा। बंगला पर काम कराएंगे, गेस्ट हाउस में उन लोग का अटेंडेंस लगेगा, बंगला पर ले जाकर काम कराएंगे। आदिवासी महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, इसका हमारा संघ संगठन यूनिट और हम समस्त साथियों से बोलेंगे, उसका विरोध करेंगे हम लोग। और आपसे मतलब सब उसको हम यथाशीघ्र जो है हम लोग मैनेजमेंट से आह्वान करेंगे, महाप्रबंधक उमरिया APM से आह्वान करेंगे जो उसको बंद करें। यथाशीघ्र और साथियों, इसी साथ 17 तारीख को हमारा जो समस्त साथियों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि आइए, हमारे मुंबई शाखा के चुनाव होगा, उसमें आइए, 11 बजे कमेटी का चुनाव होगा। आप लोग का भोजन का भी व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं खा करके आप लोग अपना अपने अपने प्रस्ताव दिए। इसी साथ साथ अपना हम कर्तव्य माफ करते हैं। लाल झंडा, जय हिंद, जय कांग्रेस। सबको लाल सलाम। अरविंद कुमार ने भी मिसाइल कायम किया है और आज भी मिसाइल कायम करेगा, ठीक ना? एक रोडी रेजिंग नहीं होगा कुमार जी बोले दोनों। अरे मुकमा एरिया में बहुत सा ऐसा चीज है जो वर्कर उससे वंचित है और वर्कर को पूरा मुंबई एरिया का वर्कर जो काम करने वाले लोग हैं उनका सिर्फ आस अगर किसी यूनियन पे है, अगर उनको पूरा किसी को विश्वास है, अगर किसी को लगता है कि हमारा कोई भी मजदूर का एक भी अगर कोई काम अगर करा सके या उनसे उम्मीद रख सकता है, सिर्फ बिहार कोलोरी कामगार यूनियन साथियों से आग्रह करूंगा जो उन लोगों का पूरे ऊपर ध्यान रखा जाए। जैसे कामा सराके की लड़ाई हम लोग लड़ने के बाद आज तो न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया कर क्या था, जिसमें आज एरिया घोषणा किया है, डिग्री हुआ है। काफी दिन बाद हम लोगों की बिहार कोलोरी कामगार यूनियन की इस तरीके से मीटिंग हो रही और हम लोग आशा करते हैं जो नववर्ष के उपलक्ष्य पर ये जो मीटिंग हुई ये BCKO को आगे चलकर और भी मजबूती प्रदान करेगी। हम समझते हैं जो पिछले 50 वर्षों के इतिहास में मुगबा क्षेत्र या पूरे कोयला क्षेत्र में अगर एकमात्र यूनियन है जिसके पास एक पीछे की इतिहास नहीं है, झारखंड आंदोलन के इतिहास रही है एवं मजदूरों की सवाल पर सबसे ज्यादा लड़ाई आंदोलन एवं तमाम चीजों की इतिहास रही है, तो वो एकमात्र बिहार कोलोरी कामगार यूनियन। मुख्य रूप से हम लोगों की ढेर सारे मांगे थे, चाहे रेगुलराइजेशन हो, मजदूरों की प्रमोशन हो, नया माइंस खोलने के मामला हो, हमारे बराकर इंजीनियरिंग से लेकर BTC तक दोबारा चालू करने के मामला हो, ये तमाम सवालों को लेकर CMD से वार्ता हुई थी, DP से भी वार्ता हुई, लेकिन वो RLC में आज भी हम डेट हम लोगों की चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ों पर ठोस पहल नहीं हुई।
जिसके कारण हम लोगों ने लास्ट मीटिंग रखा गया है 18 तारीख को, अगर नहीं होती है तो 20 तारीख को पूरे मुकमा एरिया को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले हम लोग बंद करेंगे। नाथपुर के नाम से टेंडर हुई और उसमें शामपुर ए से लेकर फटका तक तमाम प्रॉपर्टी उस पर ट्रांसफ़र किया गया मां 14 करोड़ में। हम समझते हैं जो देश का ये महा घोटाला एक है, जो 14 करोड़ रुपया उन्हें एक महीना भी नहीं लगी, ये जो 30,000 टन प्रोडक्शन किया हुआ कोयला मुंबई एरिया का है वहाँ पर रखा हुआ, वो 30,000 टन कोयला बेचने से ही उन्हें 14 करोड़ की प्रॉफिट आ जाएगी। तो उन्हें फ्री में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम समझते हैं दिया गया, तो ये किसके इशारे पर, केंद्र सरकार के किसके इशारे पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी फ्री में दी गई, ये जांच की विषय। ये पहली बार है जो विस्थापन से लेकर कोयला बेचने का भी अधिकार ठेकेदार को ही दी गई और विस्थापन में किसी को भी परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, ये उन्हीं को सॉर्ट आउट करना है। और इसके साथ साथ कोयला की जो रेवेन्यू है महज 4.5% कोल इंडिया को आएगी, बाकी 95% जो है वो जो प्रॉफिट है वो कंपनी लेके और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।